नमस्कार, आदाबर, जय सतीकाल। मैं आपका दोस्त आशीर्वाद आपके लिए क्लास सिक्स की या ज्योग्राफी की श्रृंखला फिर से शुरू कर दी गई है, जिसमें हमने चैप्टर वन और चैप्टर टू देख रखा था। आज हम चैप्टर थ्री देखेंगे, जिसमें से हम मोशन ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, यानी पृथ्वी की गतियां उसके बारे में। चलिए, यह मोशन ऑफ द अर्थ क्या होता है, मतलब पृथ्वी जो मोशन करती है उसके बारे में चर्चा करती है, जिसमें कहता है पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन और एक परिक्रमण। जो पृथ्वी है यह दो तरह से मोशन करती है, एक घूर्णन करती है और एक परिक्रमण करती है। यह दो तरह की गति होती है, देयर आर टू टाइप जिसमें घूर्णन और दूसरा परिक्रमण परिक्रमण कहलाता है, घूर्णन और परिक्रमण कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति परिक्रमण कहलाता है। यह परिक्रमण जो होता है अराउंड द अर्थ, अराउंड द सन, पृथ्वी के चारों ओर, और यह इट्सेल्फ खुद पे रोटेशन होता है, इसको रोटेशन कहते हैं, रोटेशन, और इसको रिवोल्यूशन मतलब क्रांति लाने का काम करती है। रोटेशन रिवॉल्यूशन दो शब्द इसमें देखने को मिलता है। अगर हम बात करेंगे, द अर्थ हैज अ टू टाइप्स ऑफ अ मोशन, नेमली रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन इज द मोमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, और यह अपने इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस पर काम करती है, एक्सिस पे काम करती है, अक्ष पे काम करती है। और सन इज द फिक्स्ड पाथ ऑफ ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन, और यह सन के ऑर्बिट उनके कक्ष के चारों ओर चक्कर लगाने का काम करता है। यह प्रक्रिया 365 आवर फोर्थ टाइम लेती है, ठीक है, डेज यह टाइम लेती है। और यह प्रक्रिया जो होती है यह 24 आवर्स यह टाइम लेती है, 24 आवर्स यह टाइम लेती है। दो प्रक्रिया इसमें होती है, यह 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है, और यह 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर लगाने का काम करती है, उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अर्थ पृथ्वी की जो परिक्रमण करती है उस जो परिक्रमण करती है उसको हम लोग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आगे पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 62.5 डिग्री का कोण बनाती है, और वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। छोड़ नहीं सकता उसे, तुम क्या करना है उसका काम अभी तुम्हारा, उठाओ बेहूदा कहीं का बार बार तुम्हारा पेंसिल लेके जा रहा है, से वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन, मतलब जो अर्थ है एक इमेजिनरी रेखा है, काल्पनिक रेखा है, उसको माना गया वो फिक्स नहीं है कितना ही होगा। फिर आगे देखिएगा, एंड मेक्स एन एंगल्स ऑफ 66.5 विद द ऑर्बिट प्लेन, 66.5 डिग्री पर। अगर हम बात करते हैं, सपोज दैट यह एक अर्थ है, इस पोल को 66.5 डिग्री पे हम देखते हैं, ठीक है, इस पोल को भी, इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं और इसको साउथ पोल बोलते हैं। देयर आर इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर, यह इक्वेटर है, इक्वेटर है, इक्वेटर है जो 0 डिग्री पे बनाती है, और यह 23.5 डिग्री है। यह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इसको कैंसर बोलते हैं,
जिसको कर्क रेखा और इसको ट्रॉपिक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, जो इसको हम लोग मकर रेखा बोलते हैं, और बीच वाले को विषुवत रेखा बोलते हैं। इसको विषुवत रेखा बोलते हैं, इक्वेटर को भूमध्य रेखा बोलते हैं, सब इसी को बोलते हैं, विषुवतीय वृत्त भी इसी को बोलते हैं हम, ठीक है। कहा ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। मतलब ग्लोब पर भी आप देखते हैं कि जैसे मान देख लीजिए, कहता है द सर्किल ऑफ अ डिवाइडेड इन द डेज फ्रॉम नाइट्स और डेज फ्रॉम नाइट्स द ग्लोब इज कॉल्ड द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, सॉरी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, इसको हम लोग बोलते हैं प्रदीप्त, प्रदीप्त यही बोलते हैं, बीत बोलते हैं। यह जो नाम है इसको लिख लीजिएगा, यह सर्कल जो है पूरा अर्थ ग्लोब है, इस पे दिन और रात को इंगित करने का काम करता है, उसको डिनोट करता है। जैसे अभी मान लीजिए जर्मनी का अलग टाइम होगा, अमेरिका का अलग टाइम होगा, कहीं दिन होगा तो कहीं रात होंगे, इसी तरह से। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इसी के कारण आप देखते हैं कि यह कभी 6 महीना नाइट होती है तो कहीं 6 मंथ डे होता है। यह सारे इसी ग्लोब पर संभव है, इसी ग्लोब पर सारे संभव है, देखिएगा। उसके बाद कहता है इल्यूमिनेशन, देख लिया आपने इल्यूमिनेशन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के कारण क्या होता है, डे एंड नाइट डिसाइड करने का काम होता है, इल्यूमिनेशन ऑफ सर्कल, जिसको हम लोग प्रदीप्त वृत्त बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है, यह पृथ्वी का दैनिक गति है। और ये 24 घंटा है यह दैनिक गति है, दैनिक गति होता है पृथ्वी का। आगे देखिएगा, कहता है द पीरियड ऑफ अ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे, और इसी को हम लोग अर्थ डे भी बोलते हैं, अर्थ डे भी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अर्थ डे टेक्स अबाउट 24 आवर्स ऑफ अ कंप्लीट इन द रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस, दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ, इसे दैनिक डे यानी डेली मोशन, डेली मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, फिर क्या कहता है, फिर कहता है व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, कहा अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, क्या होगा, वही होगा जो होना नहीं था, जीवन चक्र रुक जाएगा। आगे देखिएगा, कहता है सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग को हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी और दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, एवं पूरे भाग ठंड पड़ेगी, इस तरह की अवस्था के जीवन संभव नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जैसे सपोर्ट डैड पृथ्वी है, सन हो गया, इससे आने वाली जो किरणें होती है इस पे पड़ती है, लेकिन अगर यह पृथ्वी एसटीओपी हो जाए या स्टॉप्ड हो जाए तो फिर दिन का दिन और रात का रात, उजाला अंधेरा, ना कोई आने वाला ना कोई जाने वाला, जो जहां रहेगा वही रुक जाएगा, ठीक है। कहता है द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, कर्क रेखा इसको विषुवत रेखा मकर रेखा बोलते हैं, तो यह जिस पोर्शन में है उसी पोर्शन को स्टॉप करके रखेगा, तो इसको हम लोग उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, इसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो समझ गए कि आप लोग कहीं दिन हो जाएगा तो कहीं रात, या परमानेंट प्रक्रिया यही चलेगी, इसीलिए
पृथ्वी को भी अपने अक्ष पर घूमने की जरूरत पड़ती है। पृथ्वी क्या, दुनिया की ऐसी सारी ग्रह जो 8 ग्रह है सारे अपने अक्ष पर समय लगाती है घूमने में, तो कहीं जल्दी घूम लेती है तो कहीं लेट से घूमती है। चलिए आगे कहा, पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 डेज 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, और हम लोग एक वर्ष 365 दिन को मानते हैं, यानी 365 डेज को हम लोग एक वर्ष मानने का काम करते हैं, तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, कहा द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रोटेशन रिवॉल्यूशन सॉरी इट्स कॉल्ड रिवॉल्यूशन इट टेक्स 365 1/4 डेज 1 ईयर टू रिवॉल्व अराउंड द सन। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर के एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 दिन के बदले 29 दिन का होता है, और ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होता है उसे लीप ईयर कहते हैं, और लीप ईयर हर 4 वर्ष बाद लीप ईयर आता है, जिसमें अगर 366 दिन होता है जिस ईयर में उसे लीप ईयर कहते हैं, और यह जो 366 दिन होता है इसको लीप ईयर बोलते हैं। और लीप ईयर को निकालने के लिए किसी भी साल में, जैसे मान के चलिए अभी आपका 2022 चल रहा है, 4 से डिवाइड कर दीजिए आपको लीप ईयर का पता चल जाएगा। कुछ नहीं करना है, 4 से किए 5 टाइम में 20 कट गया, 2 उतर गया, 0 दे दिए, 2 उतर गया, या 5 टाइम में 20 होगा, दिस इज नॉट लीप ईयर। चलिए 2024 को देखते हैं लीप ईयर होगा कि नहीं होगा, चेक करते हैं। ठीक है, देखिएगा 2024 इसको किए 4 से 5 टाइम में 20 कट गया, 2 उतारे, 0 दिए, 4 उतारे, 6 टाइम में 24 दिस इज लीप ईयर, यानी 2024 आपका लीप ईयर आएगा। बर्थडे उनका मनाया जाएगा जो 28-29 तारीख को जन्म लिए थे, पार्टी में हम लोग को बुलाना जरूर जिसमें वो। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लीप ईयर निकालने के लिए किसी भी वर्ष को अगर पूछ दे कि लीप ईयर क्या है तो 4 से डिवाइड दे दीजिए, इट्स कॉल्ड लीप ईयर, इट्स कॉल्ड लीप ईयर। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसी चीज को कहा, 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर्स एडेड टू मेक वन डे 24 आवर्स ओवर अ स्पैन ऑफ ईयर्स ऑफ 4 ईयर्स, दिस सरप्लस डे इज एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी The every 4th years, February is the 29 years instead of 28 days. Such a year with the 366 days is called a leap year. It's called a leap year. Very good. चलिए आगे देखिएगा। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, आपको जहां तक पता होगा हमने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सन है, और सन के बाद पृथ्वी हमारा तीसरा ग्रह है। तीसरा ग्रह है बताया था, तो इसका तो चक्कर काटता है अपने ऑर्बिट पर, बताया था। यह भी अपने ऑर्बिट पर चक्कर काटती है, और यह भी अपने चक्कर पर ऑर्बिट अपने अक्ष पर अपने ऑर्बिट पर चक्कर काटने का काम करता है। मतलब जितनी भी 8 ग्रह है वो अपने ऑर्बिट पर चक्कर काटने का काम करती है, बता रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद कहा एक वर्ष को गर्मी सर्दी बसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं के परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। मतलब जो ऋतु परिवर्तन होता है वह क्या होता है कि ऋतु में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति
जो सन है उसके पृथ्वी की जो स्थिति होती है उसके कारण ऋतुओं में परिवर्तन का कार्य होता है। चलिए आगे देखिएगा, एक वर्ष को हो गया और ऋतु में परिवर्तन के कहता है एयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर विंटर स्प्रिंग एंड ऑटोमन सीजन्स। सीजन्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। चलिए आगे, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, एक कर्क रेखा है, इस पर जो सनलाइट होगा LIGHT वह इस पर, और सूर्य से जो किरण आती है उसको हम बोलते हैं यूवी रेज, जिसको अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं। ठीक है, यूवी रेज बोलते हैं, लाइट बोलते हैं यूवी। तो यह जो पराबैंगनी किरणें होती है इस पर यह सीधे पड़ने का काम करती है, किस पर, कर्क रेखा पर वह सीधे पड़ने का काम करती है। तो इसी तरह से आगे देखते हैं, और ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। ध्रुव मतलब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ कम ऊष्मा मिलती है क्योंकि सूर्य का किरण ऐसे तिरछी पड़ा। अगर सूर्य का किरण तिरछी पड़ा तो इस पर पड़ने वाली जो प्रकाश, जो यूवी रेज होगी, वह भी क्या होगी, कम पड़ेगा। पराबैंगनी किरण यहाँ पे कम पड़ेगी, इसलिए यहाँ पे बर्फ जोन होता है, यहाँ पे बर्फ जमा होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, नॉर्थ वाला सूर्य की तरफ झुका होता है, तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने का लगातार दिन रहता है, और उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। चलिए आगे देखिएगा, क्लियर, वेरी गुड। इसमें कहा यू विल सी डेट ऑन 21st जून एंड नॉर्थन हिमेस्फेयर डेट मीन्स ऊपर वाला पोर्शन अगर होगा तो नॉर्थन हिमेस्फेयर, नॉर्थ की तरफ है, इसलिए नॉर्थन, हिम मतलब बर्फ, जमा हुआ बर्फ, इसलिए नॉर्थन हिमेस्फेयर कह दिए। चलिए, नॉर्थ ऊपर है, हिम मतलब बर्फ होता है, तो नॉर्दर्न हिमेस्फीयर मतलब नॉर्थ की तरफ जो जमा हुआ बर्फ उसी को नॉर्दर्न हिमेस्फीयर। ठीक है, याद करने के लिए। अब आगे कहा इट्स टाइटल टुवर्ड्स द सन, द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एज अ रिजल्ट दिस एरियाज रिसीव मोर रे, मोर हीट, और वह ज्यादा हीट को रिसीव करता है। The areas near the poles receive less heat and the rays of the sun are sent slanting the north pole in inclined towards the sun and the places beyond the Arctic Circle experience conditions daylight from about 6 months. A large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun. It is summer in the regions north of the equator. The longest day and the shortest night at this places occur in 21st June. At this time in the southern hemisphere, all these conditions are reserved. It is winter season there. The nights are longer than the days. Yeah, this position of the Earth is called the summer solstice. चलिए, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण, 22 दिसंबर उधर 21 जून देखा आपने, सीधा पड़ता है, आपने 21 जून देखा, 21 जून देखा, अब 25 दिसंबर देखिएगा। इसमें कहा
ध्रुव के ने देखा इसमें, तो इसी समय ग्रीष्म ऋतु में आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा कि क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। कहता है क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन, समर सीजन, और इसी समय मकर रेखा पर सूर्य की किरण सीधी पड़ने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और है। कहा अब 21 मार्च एवं 23 मार्च को अब देखते हैं, 21 मार्च और 23 मार्च, 21 मार्च और 23 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, और इस दिन आप देखते हैं यह जो अर्थ है इस पर सीधे पड़ने का काम करता है, इस पर यह जो सूर्य की किरण है सीधी पड़ती है। हमने तीन चीज देखा, 21 जून को जो सनलाइट होती है, सनलाइट होती है वह कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है उसी तरह से, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधे पड़ती है सूर्य की किरण, और 22 और 23 मार्च को विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर सीधे पड़ने का काम करती है। ठीक है, हैव एनी प्रॉब्लम बट टेल मी। लिखा कि 21 जून को, जैसे 21 जून को ये जो कर्क रेखा है इस पर सूर्य की किरण सीधी पड़ने का काम करती है, और जिसको हम लोगों ने कहा था समर सोलिस्टिक कहा था, और मकर रेखा पर जो है हमने देखा कि 22 दिसंबर को सनलाइट यानी सूर्य की किरण सीधा पड़ने का काम करती है जिसको समर सोलिस्टिक कहा था, और 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरण होती है वह इक्वेटर पर सीधा पड़ने का काम करती है, विषुवत वृत्त पर सीधा पड़ने का काम करती है। ठीक है, चलिए, और इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, और इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात व दिन बराबर होते हैं, इसे विषुवत कहा जाता है। इस दिन रात और दिन दोनों बराबर होते हैं, डेज एंड नाइट आर इक्वल, सेम टाइमिंग सेम पीरियड होता है, 12-12 घंटे का पूरा होता है। ठीक है, ऑन 21st मार्च एंड सितंबर 23rd डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टाइल्ड टूवर्ड्स द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट, दिस इज कॉल्ड द इक्विनोक्स। इसको बोलते हैं हम लोग, तीन नाम देखा, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विनोक्स। ठीक है, आगे देखिएगा, इसको विषुवत कहा जाता है, विषुवत कहा जाता है। ठीक है, विषुव कहा जाता है, आगे देखना। चलिए, तीन पोजीशन होती है, तीनों पोजीशन पर बेटा याद रखना, इसको फिगर बनाते हुए ऐसे चलना या स्क्रीनशॉट ले लेना। इसको समर सोलिस्टिक 21st जून, समर सोलिस्टिक 21st जून, विंटर सोलिस्टिक 22 दिसंबर, दिसंबर, उसके बाद आपने देखा इक्विनोक्स जो 21 मार्च और 23 सितंबर को, उसके बाद हमने देखा यह 21 मार्च एंड 23 सितंबर को होती है, इसको हम लोग कहते हैं विषुव। ठीक है, आगे देखिएगा, अब कहता है 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 दिसंबर नॉर्थ पोल के तरफ, अगर यहां बात करते हैं तो नॉर्थ पोल की तरफ शरद ऋतु होती है, यहाँ शरद ऋतु होती है नॉर्थ पोल की तरफ, यहाँ शरद ऋतु होती है नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, आगे देखिएगा, और जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, और यहाँ वसंत ऋतु होती है। ठीक है, वसंत ऋतु होती है, और जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। कहा ऑन 23rd सितंबर इट इज ऑटोमन सीजन, इसको ऑटोमन सीजन बोलते हैं, ऑटोम सीजन बोलते हैं,
और नॉर्थ हेमिस्फीयर जो मीन्स नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इज द साउदर्न, इसको स्प्रिंग सीजन बोलते हैं, स्प्रिंग सीजन बोलते हैं। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द अपोजिट इन द केस ऑन 21st मार्च वेन, और इसीलिए हमारे तरफ मार्च के महीने में आप देखते हैं कि बसंत ऋतु होती है, पत्तियां जो पौधे की होती है अपनी पत्ती को झाड़ करके नई पत्ती उस समय पौधों में लगी होती है, ठीक है। स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम इन द साउथ हेमिस्फीयर, कहता है इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है, थस यू फाइंड दैट देयर आर डेज एंड नाइट्स आर चेंजेस इन द सीजंस बिकॉज ऑफ द रोटेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ रिस्पेक्टिवली। गॉट इट एवरीवन? चलिए तो यह कक्षा आपकी समाप्त होती है, और ज्यादा से ज्यादा आप इसका लाभ उठाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाएं, जिससे उनकी भी ज्ञान आपकी तरह हो पाए। चलिए फिर हम अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।